जनपद आगरा के थाना सिकंदरा से दिनांक 22/11/2018 को 3 रिवॉल्वर एवं 76 कारतूस, इसके बारे में जो है तस्दीक लगाया गया तो ये पाया गया कि ये चोरी की घटना है। इसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 955/18 /380 दर्ज की गई थी। इसके अनावरण के क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। उस टीम के अथक प्रयासों के फलस्वरूप हमने अभियुक्त को गिरफ्तार करने में एवं उसके पास से 3 रिवॉल्वर जो चोरी गई थी वो और 76 में से 63 कारतूस बरामद किए हैं। इस प्रकार यह एक जो बड़ी घटना आगरा में हुई थी उसका आज अनावरण हुआ है। इसमें अभियुक्त का नाम रमेश उर्फ देवा उर्फ बंटी उर्फ देवकी नंदन आदि अलग अन्य अलग अलग नामों से उसे यह चलता था एवं इसका कोई स्थायी पता भी नहीं था। इसको उस दिन अपना मोबाइल के एक एप्लीकेशन लेकर के आया था और यह मोबाइल गुम होने का उसने एप्लीकेशन दिया। जब उस मोबाइल को जब तस्दीक की गई तो उस मोबाइल लगभग 3-4 महीने पहले से बंद पाया गया, जिस कारण यह शक हुआ कि मोबाइल का आखिर इतना पुराना मोबाइल का लेकर के क्यों कोई व्यक्ति एप्लीकेशन आएगा। फिर इसके संबंध में उसकी खुलिए के आधार पर उसके आसपास के लोगों से मुखबिरों द्वारा पूछताछ शुरू की गई एवं इसे फिर आज प्रातः लगभग 12:30 बजे इसको गुरुकाताल गुरुद्वारा के पास से पकड़ा गया, जिसके पास से 3 सर्विस रिवॉल्वर जो थाना सिकंदरा से चोरी की थी वे एवं 63 कारतूस बरामद हुए। एप्लीकेशन देने गया था बीवी के बच्चों की, तो मेरे बच्चे और बीवी यहाँ रह रही है सिकंदरा सर, मुझे मेरी मदद करो। मुझे 1.5 महीने से घुमा रहे थे। असले खुले पड़े थे हैं? हाँ, गोदाम खुला हुआ था दरवाजा, उसमें मैंने ताला खोला। कारतूस आपके पास रह गए? क्या कर रहे हैं? नहीं, कारतूस नहीं रह गए थे, जो मेरे पास थे 3 पिस्टल थी और मेरे कारतूस, हाँ जिंदा कारतूस थे। मैं सब स्टाफ को बरामद करके दिया, एक भी कारतूस मिल गया। दबाव में नहीं सर। आपकी गिरफ्तारी कहाँ से करी थी? मैं हरिपुर थाने पे गया था कल शाम को। अच्छा, हाँ, सिलेंडर होने के लिए। अच्छा, बस मैंने खबर पहुंचाई, खबर पहुंचाने स्टाफ ने मुझे दिया। आपको सिलेंडर हुआ? हाँ, हरिपुर थाने में सिलेंडर हुआ। अच्छा, हरिपुर थाने में सिलेंडर हुआ, साहब ने मुझे मारा नहीं पीटा नहीं, मैंने पीट भी ठोकी बेटा, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, मगर जिए अब हम समझ गए ड्यूटी कैसे होती है। अच्छा, अधिकारी हमारा सही है। इतना सामान लेके तुम मेरे हिसाब से कोई भी स्टाफ को सस्पेंड ना करे, हाथ जोड़ने की विनती है इनके पेट पर लात ना मारी जाए सर। मैं तो बस एक आम आदमी के नाते अपने बच्चों के खाते हैं। मेरा नाम देवा शर्मा है। देवा शर्मा कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाला तो मैं बाबू जी MP का हूँ। अच्छा, पहले भी जा चुके हैं ना? हाँ जी। चलो, इतना माल तुम कैसे ले गए थे? इतना माल कैसे लाते? इतना माल कैसे लाद के ले गए तुम? इतना माल किस चीज में रख के ले गए? सर जी, लगा के भाई फिल्मी स्टाइल में। अच्छा, फिल्मी स्टाइल में जो वो कास्तूर भर के या कमर में। कोई किसी ने रोका नहीं तुम्हें? किसी ने रोका नहीं, किसी ने रोका नहीं, माल ले आ रहे थे। तो कोई है ही, ड्यूटी कौन कर रहा है वहाँ? अच्छा, कौन कर रहा है सब? तुम कुछ वहाँ से यार पत्नी पत्नी को मारने के लिए नहीं ले जा रहा था मैं। अच्छा, मैंने तो बस जी स्टाफ को मेरे पैसे जितने गए थे एप्लीकेशन दिखाने के, सब वो कह रहे थे ना बच्चों को मैं दिलाएंगे। अच्छा, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। अच्छा, और मुझे सरकार से भी कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने इस गलती पे मुझे कोई शर्मिंदा नहीं हूँ। अच्छा, वो मैंने ये काम किया है आम आदमी होने के नाते स्टाफ की आगे खोलने के लिए।